H1N1 फ्लू के बारे में एक कार्यशाला हुई थी। इस कार्यशाला में ऐसी कौन सी बात हो सकती है जो जन जागरूकता तक पहुंचाई जाए? इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि इसके लक्षण को जानना है कि ये जो स्वाइन फ्लू है या इन्फ्लुएंजा है, इसमें जो रूटीन में लक्षण है कि जैसे खांसी, छींक, बुखार, सिर दर्द, पेट दर्द, उल्टी, ये सब लक्षण मरीज में सीजनल इन्फेक्शन के रूप में आता है, तो उसको ध्यान देने की ज़रूरत है और मरीज की गंभीरता के हिसाब से उसको अपने चिकित्सक से मिलना है और उसके पहचान कराकर उसके हिसाब से इलाज लेना है। जो स्वाइन फ्लू है, ये वर्ड अपने आप में लोगों में काफ़ी डर पैदा कर देता है, उसके बारे में ये कहने की ज़रूरत है कि इसमें सबको डरने की ज़रूरत नहीं है, इसके एहतियात लेने की ज़रूरत है, इससे बचाव की ज़रूरत है, इसको फैले नहीं संक्रमण को रोकने की ज़रूरत है और उसके बारे में प्रॉपर ट्रीटमेंट लें और इसके ज़्यादा होने वाला जो दुष्प्रभाव है वो ज़्यादातर लोगों में बचाया जा सकता है और इलाज किया जा सकता है। किस एज ग्रुप में सबसे अधिक ये फैलता है? छोटे बच्चों में काफ़ी कॉमन है और तेज़ी से फैलता है और वैसे तो एल्डरली में और जो रिस्क हाई रिस्क पॉपुलेशन है उस सब में फैलता है जिनमें किसी भी तरीके की कोमॉर्बिडिटी मतलब कोई भी बीमारी चल रही है और इम्यूनिटी लो है, उन लोगों में ये जल्दी पकड़ता है। वैक्सीन और मास्क का मामला? वैक्सीन में इन्फ्लुएंजा वैक्सीन अवेलेबल है, ट्राईवेलेंट वैक्सीन है, इनएक्टिवेटेड इन्फ्लुएंजा वैक्सीन या टेट्रावेलेंट क्वाड्रीवेलेंट वैक्सीन अवेलेबल है।